आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ गोभी का परांठा और दही का रायता। गोभी का परांठा तो आपने अपने घर में बहुत बार बनाया होगा, बट मैं आज आपके लिए एक नए तरीके से गोभी का परांठा लेके आया हूँ और दही का रायता। इस तरीके से दही का रायता आपने कभी नहीं बनाया होगा, तो बड़ा ही आसान तरीका है बनाने का, तो जाकर मेरी वीडियो को देखो। और विंटर का सीज़न चल रहा है, तो विंटर के सीज़न में हमें गर्मा गर्म परांठे मिल जाए तो बात ही कुछ और है, उसके साथ हमारा मज़ेदार दही का रायता। तो फटाफट जाओ और इस वीडियो को देखो और अपनी फैमिली के साथ बनाकर इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की रेसिपी बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है, तो जाकर मेरी वीडियो को देखो। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करके बताएं आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। नैन की रेसिपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गोभी का परांठा और दही का रायता। बनाने के लिए हमें चाहिए, यहाँ हमने एक बाउल में 2 कप आटा निकाल लिया है और 1 प्याज बारीक कटा हुआ और ताज़ा धनिया के पत्ते जिसे हमने बारीक काट लिया है, और ये हमने 200 ग्राम के आसपास गोभी लिया है जिसे हमने पहले से कद्दूकस करके रख लिया है, और 1 टमाटर बारीक कटा हुआ, यहाँ हमने 3 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, और 1 कप दही और 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला और स्वाद अनुसार नमक। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम आटे में पानी डालकर इसे अच्छी तरह गूंद लेंगे। अगर आप बिगनर हो और आपको आटा गूंदना नहीं आता तो इसमें आप पहले थोड़ा कम पानी डालकर गूंदें, अगर इसमें पानी की ज़रूरत हो तो ऊपर से और पानी डाल दीजिए। इस तरीके से आपको एक आटे का डो रेडी करना है। इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे अब हम अच्छी तरह गूंद लेंगे। आटे का डो बनकर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो आटा हमने अच्छी तरह गूंद लिया है। इसी तरह से आप आटा गूंद लीजिए और आपके आटे का डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। आटे का डो बनकर रेडी हो चुका है, अब हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 3 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डाल देंगे। हरी मिर्च को हमें हल्का सा पका लेना है। हरी मिर्च पकने के बाद हम 1 प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। 1 प्याज में से हमने थोड़ा सा प्याज बचा के रख लिया है पहले। बचा हुआ प्याज हम दही में डालेंगे। अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसे हल्का सा पका लेंगे प्याज को। प्याज हमारा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें सभी कद्दूकस किया हुआ गोभी डाल देंगे। गोभी डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। गोभी को अच्छी तरह मिलाने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में 2 से 3 बार अपने गोभी को हिला लीजिए, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। एक मिनट हो चुका है और हम इसे अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें सभी मसाले डाल देंगे। यहाँ पर हमने 1/2 चम्मच जीरा पाउडर लिया है। जीरा पाउडर डालने के बाद 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और हमारा स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लीजिए। गोभी में मसालों को अच्छी तरह मिलाने के बाद ऊपर से हम फ्रेश धनिया के पत्ते डाल देंगे और इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। फ्रेश धनिया के पत्ते डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिला लेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए और पका लेंगे। यहाँ पर हमारा गोभी का मसाला बनकर एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। गोभी का मसाला बनकर तो रेडी हो चुका है, अब हम दही का रायता बनाएंगे। दही का रायता बनाने के लिए हम 1 कप दही डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज जिसे हमने बचा के रखा था, 1 टमाटर बारीक कटा हुआ जिसका हमने बीज का निकाल लिया है, और 1 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ और ताज़ा धनिया के पत्ते बारीक कटा हुआ, और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद बस इसे अच्छी तरह मिला लेना है हमें।
आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हो, यहाँ पर मैंने पानी नहीं मिलाया है। इस तरीके से आपने दही का रायता कभी नहीं बनाया होगा। दही का रायता हमारा बनकर एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना आसान था बनाने का तरीका। तो इस तरीके से आप दही का रायता बना कर रख लीजिए। गोभी का मसाला हमारा रेडी है और ये हमने थोड़ा सा आटे का परथन लिया है। यहाँ पर हमने एक लोई ली है जिसे हमने रोल करके इससे दबा लेंगे। दबाने के बाद इसे चारों तरफ से फैला लेंगे। जब हम चारों तरफ से फैलाते हैं तो बीच का हिस्सा थोड़ा मोटा रहना चाहिए। अच्छी तरह फैलाने के बाद इसमें हम 2 चम्मच गोभी का मसाला डालेंगे। 2 चम्मच गोभी का मसाला डालने के बाद इसे हम चारों ओर से मिला लेंगे आपस में। आटे को हमें चारों ओर से मिलाकर गोभी को अंदर अच्छी तरह ढक लेना है। एक पोटली बना लेनी है इसे आटे की। आटे की पोटली बनाने के बाद ऊपर का हिस्सा हम तोड़ लेंगे थोड़ा सा और इसे एक गोल करके हम रख लेंगे। इस तरीके से आपका एक डो रेडी हो चुका है परांठे का। इसी तरीके से आप सभी परांठे का डो रेडी कर लीजिए। आटे को हम चारों ओर से फैला लेंगे और बीच का हिस्सा मोटा रहना चाहिए। फैलाने के बाद 2 चम्मच फिलिंग करेंगे गोभी का। आटे को चारों तरफ से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसकी एक पोटली बना लेंगे और इस तरीके से सभी डो को रेडी कर लीजिए। यहाँ पर हमने जो आटे का परथन रखा था उसे हम थोड़ा सा डालकर इसे फैला लेंगे। इससे हमारा आटा चिपकेगा नहीं नीचे। परांठे के डो में हमें सूखा आटा अच्छी तरह लगा लेना है जिससे हमारा आटा चिपकेगा नहीं नीचे। सूखा आटा लगाने के बाद इसे हाथों की मदद से फैला लीजिए। जब आपका परांठा थोड़ा सा फैल जाए तो इसे हम बेलन की मदद से इसे बेल लेंगे। यहाँ पर हमने अपने गोभी के परांठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह बेल लिया है। बेलने के बाद इसे तवे पे डाल दीजिए। एक साइड से आपका परांठा हल्का सा सिक जाए तो इसे पलट लीजिए। इसी तरह हमें दोनों साइड से पकाना है और हम दूसरे साइड से भी पलटा देंगे। दूसरे साइड से भी पलटने के बाद हम इसमें ऊपर से तेल लगा लेंगे। आप देख सकते हो हमारा परांठा कितनी अच्छी तरह फूल चुका है। इस तरीके से हम चारों ओर तेल फैला लेंगे और हमारा परांठा एकदम फूला फूला बना है। और दूसरे साइड से भी पलट कर इसमें तेल लगा लीजिए। दूसरे साइड से भी पलट कर इसमें अच्छी तरह तेल लगा लेना है हमें। और हमारा गोभी का परांठा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना फूला फूला हमारा परांठा बना है। इसी तरीके से हमें सभी गोभी के परांठे बनाकर रेडी कर लेना है। ये हमारा दूसरा भी गोभी का परांठा बनकर रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से सभी गोभी के परांठे को हम बना लेंगे। यहाँ पर हमने सभी परांठे को आधे हिस्से में काट लिया है और ये हमारा दही का रायता है। आप देख सकते हो कितना मसालेदार और टेस्टी दही का रायता है। इस तरीके से आपने दही का रायता तो कभी नहीं बनाया होगा। ये मेरा दही का रायता आप रोटी के साथ खाओ, परांठे के साथ खाओ या आप नमक वाले चावल के साथ भी खा सकते हो। ये सभी के साथ चल जाएगा। और ये हमारा परांठा एकदम स्टफिंग, देख सकते हो अंदर कितनी स्टफिंग हो रखी है। तो इस तरीके से गोभी का परांठा बनाएं और दही का रायता बनाकर अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। और हाँ, जो मेरे चैनल पे नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर मेरी आने वाली नोटिफिकेशन का मज़ा लीजिए। इसी तरह मैं आप सभी के लिए नई नई रेसिपी लेके आता रहूँगा। Thank you.